आखिरकार यूपी में अखिलेश सरकार के दौरान शुरू की गई समाजवादी पेंशन योजना पर योगी सरकार का हंटर चल ही गया। इतना ही नहीं, अखिलेश द्वारा शुरू किए गए साइकिल ट्रैक पर भी संकट के बादल छा चुके हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभालते ही अपने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान शुरू की गई योजनाओं की समीक्षा करने के संकेत दिए थे और अब इन समीक्षाओं के नतीजे भी दिखने लगे हैं। सरकार ने तत्काल प्रभाव से अखिलेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समाजवादी पेंशन पर रोक लगा दी है और साथ ही इसकी जांच के भी आदेश दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट एक महीने के भीतर आ जाएगी। दरअसल सरकार ये जानना चाहती है कि जिन लोगों को ये पेंशन मिल रही है वो इसके हकदार हैं भी या नहीं। अखिलेश सरकार इस योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने 500 रुपए देती थी, लेकिन योगी सरकार ने विधवाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को पेंशन की राशि दोगुनी यानी कि 1000 रुपए करने का प्लान पेश करने को कहा है। उधर योगी सरकार के निशाने पर अखिलेश का एक ड्रीम प्रोजेक्ट साइकिल ट्रैक भी है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार नोएडा और लखनऊ जैसे शहरों में सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर साइकिल ट्रैक खत्म करना चाहती है। इस सिलसिले में वित्त, नगर विकास और PWD मंत्रियों से चर्चा भी हुई है, लेकिन अभी तक कोई आखिरी फैसला सामने नहीं आया है। हालांकि इसे तोड़ना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इसे बनाने में जहां करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, वहीं इसे तोड़ने में भी करीब इतने ही खर्च होंगे। इसके अलावा योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। शादी अनुदान योजना का नाम बदलकर अब कन्यादान योजना किया जाएगा। इस योजना के तहत आर्थिक तौर पर गरीब परिवारों को उनकी बेटियों की शादी में 20,000 रुपए की राशि दी जाती है। जाहिर है कि जिस तरह से योगी ने अखिलेश सरकार के कई ड्रीम प्रोजेक्ट्स पर डंडा चलाया है, उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में अखिलेश सरकार की कुछ और योजनाओं पर गाज गिर सकती है और साथ ही आने वाले वक्त में अखिलेश की व्यक्तिगत मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।